देखो जो फ्रेजनल डिस्टेंस है वो एक डिफ्रैक्शन के अंदर स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है। तो अगर स्लिट और स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट की जाती है तो उसको फ्रेजनल डिस्टेंस बोला जाता है ना, हमेशा वो फ्रेजनल डिस्टेंस नहीं होता। तो एक खास दूरी है, एक खास डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं सोर्स ऑफ स्क्रीन के बीच में, जो हमें यह बताता है कि कब रे ऑप्टिक्स वैलिड है और कब वेव ऑप्टिक्स वैलिड है। आपको ये रे ऑप्टिक्स बीच में कैसे आ गया? इमेजिन करो आपने एक स्लिट ली, एक होल लिया, होल आपने कर दिया बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता तो एमएम में है। फिर आपने लाइट को सेंड किया, बेंडिंग कहां से होनी है, लाइट तो पूरी घुस के स्क्रीन के ऊपर गिर चली गई, बेंडिंग तो तब होगी जब ये सोर्स, ये जो स्लिट है वो बहुत 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 छोटी होगी। जितनी छोटी होगी वहां से जो लाइट एंटर करेगी उतनी ज्यादा क्या निकलेगी, ब्रॉड हो जाएगी, बेंडिंग होके निकलेगी। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो अगर आपकी वो स्लिट बड़ी है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं देख पाओगे, मैक्सिमम इनवर्स नहीं दिखेगा, यानी कि वेव ऑप्टिक्स का फिनोमेना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन रे ऑप्टिक्स बिल्कुल भी नहीं करता, डिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन कौन करता है? वेव ऑप्टिक्स। इंटरफेरेंस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, नॉट रे ऑप्टिक्स। तो ये फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन वेव ऑप्टिक्स करता है। तो अगर तो डिफ्रैक्शन प्रॉपर हो गई फिर तो हम बोलेंगे जी वेव ऑप्टिक्स वैलिड है, और अगर नहीं हुई, ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट नहीं हुई, वो फैली नहीं, वो बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाई, तो फिर क्या बोलेंगे, क्या हुआ? रे ऑप्टिक्स। भाई कुछ नहीं है जी, रे ऑप्टिक्स हो गया, लाइट की बेंडिंग रे आई और रे सीधी हिट कर गई, खत्म। तो ना वहां पैटर्न दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा वहां पे, क्लियर है। अब किस पे डिपेंड करता है? स्लिट की विड्थ पे डिपेंड करता है, और दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? कितनी दूर आपकी स्क्रीन और स्लिट है। अगर बहुत दूर है तो कैसे पैटर्न दिखेगा आपको? तो दो फैक्टर है, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। तो वो यही खास किस्म का डिस्टेंस, ये बाउंड्री कंडीशन है, ये लिमिटिंग कंडीशन है, ये खास किस्म का डिस्टेंस आपको ये बताता है कि रे ऑप्टिक्स है या वेव ऑप्टिक्स कब लगेगा, रे ऑप्टिक्स कब लगेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। तो इसमें एक स्टेटमेंट दी फ्रेजनल ने, रे ऑप्टिक्स इज अ लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का एक स्पेशल केस क्या है? रे ऑप्टिक्स। भी अगर वेव ऑप्टिक्स में बेंडिंग ना हो पाई तो फिर कौन सा ऑप्टिक्स अपना आंसर देगा? रे ऑप्टिक्स। इसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो कहता है देखो डिफ्रैक्शन हम करते हैं, डिफ्रैक्शन में हमने क्या किया, पहले रिवाइज करवाता है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक अपर्चर डी में से पास होती है, और उसमें जो एंगुलर विड्थ है पहली वाली 1 लैम्डा/d आती है, हमने किया था एंगुलर विड्थ थीटा निकाला था हमने। अब वो कहता है कि अगर मान लो स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी है तो जो विड्थ है जिसमें मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है, ये सेंट्रल है, ये डायग्राम था, ये क्या था? फर्स्ट मिनिमा, इसकी दूरी क्या थी? एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या थी? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। सेंटर से ऊपर पहले मिनिमा की दूरी क्या थी? ये दूरी थी, ये रही। तो यानी कि जो स्प्रेड हुआ, स्प्रेड समझते हो, लाइट कहां तक स्प्रेड हुई? यहां तक स्प्रेड हुई, जिसकी विड्थ क्या है? लैम्डा डी बाय टी, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब वो कह रहा है कि लाइट का बीम स्प्रेड हो जाती है सेंटर के ऊपर इतनी दूरी में। अब वो कह रहे हैं कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने याद नहीं करना कोई भी टॉपिक, ये क्या याद करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा बस वही करना है आपने। वो कहता है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई अपने मन से उसने वैल्यूज ली कि अगर मान लो मैं डिफ्रैक्शन करता हूं और स्मॉल डी को अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 10 mm रखता हूं, और वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैं 6 × 10⁻⁷ मीटर रखता हूं, तो बीम 3 मीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कैपिटल डी, तो सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है सिर्फ 0.18 mm। यार 1 mm ही बहुत छोटा होता है, 0.18 तो बहुत ही छोटा है, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये माना जाता है कि इतना छोटा स्प्रेड है कि ना मात्र ब्रॉडनिंग हुई है, हुई नहीं, वो थोड़ी बहुत ब्रॉडनिंग तो दिखे तो सही कि लाइट ऊपर की तरफ गई है, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो लाइट बिल्कुल सीधी गिर गई, ब्रॉडनिंग नहीं हो पाई, डिफ्रैक्शन सही तरह नहीं हो पाया, तो इसलिए कौन सा ऑप्टिक्स यहां पर वैलिड है? रे ऑप्टिक्स। तो उसने कहा दिस डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग इज नॉट क्वाइट लार्ज, ये बड़ी है ही नहीं, और अगर ये बड़ी नहीं है तो कौन सा ऑप्टिक्स वैलिड है इसमें? रे ऑप्टिक्स वैलिड है, और अगर ये ठीक ठाक बड़ी आ जाती 2 mm 3 mm फिर रे ऑप्टिक्स ही, फिर कौन सा ऑप्टिक्स वैलिड है? वेव ऑप्टिक्स वैलिड है, ठीक हो गया। तो ये फैसला करने वाला है कब रे कब वेव, ब्रॉडनिंग को देखते हुए। अब वो कहते हैं कि चलो मान लो स्क्रीन और स्लिट के बीच में दूरी है कैपिटल डी,
डीएफ, डीएफ का मतलब है फ्रेजनल डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है, अब ध्यान से देखना, ये वो डिस्टेंस है जब ब्रॉडनिंग हुई थी और ये डिस्टेंस क्या था एक्स, तो ये स्लिट और स्क्रीन का वो डिस्टेंस है कि जब ये ब्रॉडनिंग की वैल्यू एग्जैक्टली स्मॉल डी के इक्वल आ जाती है, और स्मॉल डी का मतलब क्या है स्लिट विड्थ, जो स्लिट की विड्थ है स्मॉल डी और ब्रॉडनिंग भी उतनी ही हो जाती है ऊपर की तरफ, तो स्क्रीन और सोर्स के बीच में उस डिस्टेंस का नाम क्या रखा फ्रेजनल डिस्टेंस। तो फ्रेजनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है कैपिटल डी जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है स्मॉल डी, तो उसने ये फॉर्मूले में एक्स की जगह स्मॉल डी पुट किया और क्या निकाल लिया फ्रेजनल डिस्टेंस। तो आप फॉर्मूला बुकलेट में पहला फॉर्मूला नोट करें, फ्रेजनल डिस्टेंस इज डी स्क्वायर बाय लैम्डा। हालांकि ये थ्योरी आज तक बोर्ड में नहीं आई, एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये फ्रेजनल डिस्टेंस के बारे में, तो मैं आपको ये फॉर्मूला करवा रहा हूं और साथ में इसका कॉन्सेप्ट समझाते हुए दो न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको, अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस तो ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। वैसे मुश्किल है, आया नहीं आज तक, जब से पढ़ा रहा हूं तब से नहीं आया, सच बताऊं तो मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है यहां तक। अब वो कहता है डी ऑफ एफ की वैल्यू आ गई यहां पर, वेयर छोटा डी का मतलब क्या है स्लिट के विड्थ और लैम्डा का मतलब लाइट की वेवलेंथ है। अब वो कहते हैं कि अगर मान लो आपकी स्लिट और सोर्स, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी है, या तो ये कैपिटल डी आपका जो डिस्टेंस है फ्रेजनल डिस्टेंस से छोटा होगा, या फ्रेजनल डिस्टेंस के बड़ा होगा, या फ्रेजनल डिस्टेंस से बराबर होगा। अगर बराबर होगा फिर तो पता है कि ब्रॉडनिंग स्मॉल डी के इक्वल होगी। अगर ये छोटा हुआ तो अगर आपका स्क्रीन की दूरी छोटी है फ्रेजनल से, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं देयर विल बी नॉट बी टू मच ब्रॉडनिंग बाय डिफ्रैक्शन। अगर ये डिस्टेंस छोटा हुआ तो कह रहे हैं ब्रॉडनिंग ज्यादा नहीं होगी, और अगर ज्यादा नहीं होगी तो कौन सा ऑप्टिक्स वैलिड है रे ऑप्टिक्स वैलिड है। तो अगर स्मॉल डी लेस देन डीएफ है और फ्रेजनल डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो स्लिट की विड्थ क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे बड़ी आएगी। तो स्लिट की विड्थ स्मॉल डी अगर इससे बड़ी है, लिख लो फॉर्मूला, अगर स्लिट की विड्थ इससे बड़ी है, इससे बड़ी है स्लिट विड्थ, ये लिख लो, इफ कैपिटल डी लेस देन फ्रेजनल डिस्टेंस और स्मॉल डी ग्रेटर देन लैम्डा डी, तो कौन सा ऑप्टिक्स वैलिड है रे ऑप्टिक्स वैलिड है। तो ये कंडीशन बन गई, फ्रेजनल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस है कैपिटल डी का, या स्मॉल डी स्लिट विड्थ इससे बड़ी है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है, और अगर छोटी है तो फिर वेव ऑप्टिक्स वैलिड है। बस ये बताया, ठीक है यहां तक। तो ये टॉपिक बड़ा अजीब सा टॉपिक है, बट इट्स ओके, जैसा भी है मैंने बता दिया ये क्या एक्सप्लेन करते हैं एनसीईआरटी में। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वो कैसे आएगा इसको एक बार देख लेते हैं। जो हैंड रिटन शीट में मैंने ये असाइनमेंट अभी हम कर रहे थे उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको तीन क्वेश्चन बताता हूं, इसको ध्यान से देखना। फॉर्मूला एक ही यूज होना है क्या फ्रेजनल डिस्टेंस का, क्वेश्चन फ्रेजनल डिस्टेंस पे फॉर्मूला एक ही यूज होता है, कैलकुलेट डिस्टेंस दैट बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ कैन ट्रेवल विदाउट सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग। तो बीम कैसे ट्रेवल करती है स्लिट और स्क्रीन के बीच में कैपिटल डी, तो कैपिटल डी बताओ क्या होगा विदाउट सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग, यानी कि कौन सा ऑप्टिक्स है रे ऑप्टिक्स, तो कौन सा डिस्टेंस है फ्रेजनल डिस्टेंस। तो फ्रेजनल डिस्टेंस वो लिमिटिंग कंडीशन है जहां पर रे और वेव दोनों वैलिड है। दोनों कैसे, अगर बिल्कुल इधर चले गए तो रे, इधर चले गए तो वेव ऑप्टिक्स है। तो कह रहे वो डिस्टेंस क्या होगा इफ डिफ्रैक्शन अपर्चर इज 3 mm वाइड, तो वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेजनल डिस्टेंस, स्मॉल डी पता है और लैम्डा पता है आंसर। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक गुड अप्रोक्सीमेशन, रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन का मतलब वेव और रे को वो बता रहा है कि रे ऑप्टिक्स कब वैलिड है, वो डिस्टेंस बताओ स्क्रीन और स्लिट के बीच में, आंसर सेम ही रहेगा। क्वेश्चन पूछते हुए उसने बिल्कुल भी नाम नहीं लेना फ्रेजनल का, वो आपको इनडायरेक्ट बातें कर करके पूछेगा कि ब्रॉडनिंग हुई कि नहीं हुई, रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन है कि नहीं, तो इनडायरेक्टली वो फ्रेजनल डिस्टेंस ही पूछता है। जैसे लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है इज डिफ्रैक्टेड बाय अपर्चर जिसकी विड्थ गिवन है स्मॉल डी गिवन है, फॉर व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीम डज स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द अपर्चर। अगर स्प्रेडिंग एक्स स्मॉल डी के इक्वल हो जाए तो फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं कैपिटल डी को, वो तो कह रहे हैं इससे भी बड़ी हो जाए तो निकालना फिर से क्या है फ्रेजनल डिस्टेंस। तो बी में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो फ्रेजनल ही करना है, जो मर्जी क्वेश्चन उठा लो इसका निकलना फ्रेजनल डिस्टेंस ही है। जैसे ये देख लो,
लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है, इंसिडेंट ऑन अपर्चर जिसकी साइज गिवन है, कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू विच लाइट कैन ट्रेवल अगेन सच दैट इट स्प्रेड इज लेस देन द साइज ऑफ द अपर्चर. पिछले केस में क्या था? ग्रेटर देन साइज ऑफ द अपर्चर. अब क्या है? लेस देन साइज ऑफ अपर्चर. कभी पूछ लेगा इक्वल टू साइज ऑफ अपर्चर. भैया कैपिटल डी तो फ्रेजनल से ही निकलना है. जो मर्जी क्वेश्चन कर लो असाइनमेंट का, एक ही फॉर्मूला लगाता जाएगा, काम खत्म. तो आइडिया क्लियर है?